हैप्पी होली फ्रेंड्स, होली है और ठंडाई ना हो तो फिर होली का मजा ही क्या। तो फ्रेंड्स, आज इसी के साथ मेरी मम्मी लेकर आई है एक होली की स्पेशल ठंडाई, जो है शाही ठंडाई। फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस ठंडाई के इंग्रेडिएंट्स तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उनका मेजरमेंट भी इम्पोर्टेंट है, और आप एंड तक ये समझ पाएंगे कि ये ठंडाई एंड में कैसे तैयार हुई है। तो ठंडाई शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में कीजिएगा इसे शेयर, और अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन प्रेस करके कीजिएगा उसे सब्सक्राइब। तो आइए ठंडाई बनाना शुरू करते। इसके लिए सबसे पहले हमने 1 लीटर दूध को गैस पे बॉईल होने के लिए रख दिया है। इधर हमने 20 से 25 बादाम लिए हैं, इन्हें हमने 4 से 5 घंटे भिगोकर छील लिया है। अब हम 15 से 20 काजू 4 से 5 घंटे भीगे हुए लेते हैं, और 2 टेबलस्पून खरबूजे की मिंगी ले लेते हैं, इसे भी हमने 4 से 5 घंटे भिगो के लिया है। अब हम 10 से 15 पिस्ता ले लेते हैं, इन्हें भी हमने 4 से 5 घंटे भिगो लिया था। 10 से 15 काली मिर्च ले लेते हैं, ये भी 4 से 5 घंटे भीगी हुई है, और 1 टेबलस्पून भीगी हुई सौंफ है, और 7 से 8 भीगी हुई छोटी इलायची, इन्हें भी हमने 4 से 5 घंटे भिगोया था। इन सबको हम मिक्सी के जार में डालते हुए और हल्का सा पानी, इतना पानी कि हमारे सारे पिस जाए, इन्हें पीस लेते हैं। इधर हमारा दूध देखिए, ये बॉयल होने लग गया, गर्म हो गया। अब इसमें हम 4 टेबलस्पून शक्कर डाल देते हैं, और अगर आप थोड़ा मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो इसमें आप शक्कर और डाल सकते हैं, और 15 से 20 केसर पत्ती इसमें हम डाल देते हैं दूध में, और इसे अच्छे से जो है मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से चलाते हुए हम इसे मिक्स कर लेते हैं, ये हमारे मिक्स हो गए हैं। अब इसमें हम बॉयल आने देते हैं, इसमें खदका आने देते हैं, थोड़ा सा हम इसे गाढ़ा कर लेते हैं दूध को, इससे हमारी ठंडाई का जो स्वाद है वो बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया इसमें। अगर आप केसर पत्ती आपके पास नहीं है तो आप खाने वाला कलर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन केसर पत्ती की खुशबू भी बहुत अच्छी लगती है। ये हमने पूरा पेस्ट जो है वो पीस के रख लिया है, इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं, इधर हमारा दूध भी जो है बिल्कुल खदक गया है, गैस बंद कर देते हैं, और अब हम इसमें ये जो हमने पेस्ट पीस के रखा है बादाम काजू वगैरह का, इसमें हम डाल देते हैं, इसे चलाते जाते हैं और इसमें से डाल देते हैं सारे पेस्ट को, एक बार हम इसमें डाल देते हैं। ये शाही ठंडाई बड़ी इजीली घर में आप बना सकते हैं, और ये पीने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, टेस्टी बनती है। अगर आप थोड़ा तीखा पसंद करते हैं ठंडाई में, तो आप काली मिर्च भी थोड़ी ज़्यादा डाल सकते हैं, वो आप थोड़ी सी बढ़ा और कम कर सकते हैं, ऐसे ही शक्कर भी अपने टेस्ट के अनुसार। अब इसे हम रूम टेम्परेचर पे होने देते हैं। ये जब रूम टेम्परेचर पे ठंडी हो जाएगी, देखिए हमारी ठंडी हो गई है इसमें, तो इसे अब हम छान लेते हैं। हमने एक जग ले लिया, उसमें इसे हम ठंडाई को छान लेते हैं, रूम टेम्परेचर पे हम इसे छानते हैं, अच्छे से इसमें छान लेते हैं। ये देखिए हमारी ठंडाई जब अलग छन के आ रही है, और इसका ये जो बचा हुआ पार्ट होता है, ये जो हमारा बच गया है, इसे आप बाउल में करते हुए फ्रीज में रख दीजिए, और दोबारा जबकि आपका ठंडाई पीने का मन करे, इसमें आप दूध डाल के खदका के आप इसे बना सकते हैं। अब इस ठंडाई को हम एक बाउल में निकालते हुए इसे फ्रीज में रख देते हैं, और 2 से 3 घंटे बाद आप पिए, एकदम ठंडी ठंडी ठंडाई बहुत अच्छी लगती है। लेकिन अगर आपको तुरंत ठंडाई पीनी है तो आप इसमें बर्फ़ डाल के भी पी सकते हैं। ये देखिए हमने फ्रीज में रखने के बाद ठंडाई निकाली, कितनी अच्छी ठंडाई जो है वो बन के आ गई है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी मम्मी की ये ठंडाई की रेसिपी पसंद आई होगी। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में कीजिएगा इसे शेयर, और चैनल को ये वाला बटन प्रेस करके कीजिए सब्सक्राइब। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब कर दिया है लेकिन बेल आइकन प्रेस नहीं किया है, तो सब्सक्राइब के साइड में आता है एक बेल आइकन, उसे कीजिए प्रेस, ताकि आप मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन ले सके और सबसे पहले उन्हें देख सके। थैंक यू।